शुरू से इंग्लिश सीखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाइए। आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर क्लिक कीजिए। प्ले लिस्ट ओपन होने के बाद वहाँ पर लिखा हुआ आएगा स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री। हर स्टेप में लगभग 25 वीडियोस हैं, तो आपको स्टेप वन से शुरू करना है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट अ ग्रामर। ग्रामर में एक टॉपिक होगा वर्ब, और वर्ब में होगा फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द फ्रेंड्स। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में आपने तो सुना ही होगा, फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब आज हम सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, फाइनाइट वर्ब क्या होता है? फाइनाइट वर्ब, इट हैज फाइनाइट और लिमिटेड एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट के साथ इसका एक लिमिटेड यानी फाइनाइट या लिमिटेड एग्रीमेंट होता है। ओके फ्रेंड्स, इसमें वर्ब का यूज सब्जेक्ट के पैरामीटर के हिसाब से होता है। अब ये पैरामीटर क्या है, यहाँ पे मैंने बनाया है सब्जेक्ट, टेंस, पर्सन और नंबर। इसमें जो वर्ब है वो टेंस के हिसाब से या पर्सन के हिसाब से या नंबर के हिसाब से चेंज होगा। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनाइट वर्ब होता है वो अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू पर्सन और अकॉर्डिंग टू नंबर चेंज होगा। ओके फ्रेंड्स, जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं टेंस से, आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे, मैं रोज दूध पीता हूँ। अब इसको ये प्रेजेंट में है, दिस सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके फ्रेंड्स, अब इसी सेंटेंस को हमने बनाया, आई ड्रिंक मिल्क यस्टरडे, मैंने कल दूध पिया। अब यहाँ पर ड्रिंक का इस सेंटेंस में ड्रिंक हो गया, मीन्स प्रेजेंट में ड्रिंक था और इसमें पास्ट में ड्रिंक हो गया, तो ये चेंज हो गया, इसका टेंस चेंज हो गया, ड्रिंक से ड्रिंक हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसमें ड्रिंक हो गया और इसमें ड्रिंक हो गया, ये दोनों क्या हो गए, फाइनाइट हो गए। ओके फ्रेंड्स, दिस आर द फाइनाइट वर्ब्स। तो ये टेंस के हिसाब से चेंज कैसे हो रहा है ये मैंने आपको बताया। ओके, अभी पर्सन के हिसाब से, पर्सन में एक सेंटेंस लिखते हैं, यू प्ले क्रिकेट वेल, तुम क्रिकेट अच्छा खेलते हो। अब यहाँ पर हमने पर्सन चेंज कर दिया, यहाँ पर पर्सन क्या है, यू, और यहाँ पर पर्सन है ही। जब ही पर्सन हो गया तो वर्ब में क्या चेंजिंग आ गया, प्लेज हो गया, ही प्लेज क्रिकेट वेल, वह क्रिकेट अच्छा खेलता है। मीन्स जब पर्सन चेंज हुआ तो वर्ब में चेंजिंग हो गया, तो इसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू पर्सन। जब वर्ब पर्सन के अकॉर्डिंगली चेंज होता है तो ये फाइनाइट वर्ब इसमें क्या हो गया, इसमें प्ले हो गया और इसमें हो गया प्लेज, ये हो गया फाइनाइट वर्ब। ओके फ्रेंड्स, आप इसी तरह से कई सारे एग्जांपल्स अपने मर्जी से कर दे सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर आप ये दो सेंटेंस से समझ गए तो आप कितने भी सेंटेंस रहेंगे उसमें आप ढूंढ लोगे कि इसमें फाइनाइट वर्ब कौन सा है। ओके फ्रेंड्स, अभी नंबर के हिसाब से, नंबर मतलब क्या होता है, वचन, वचन। तो नंबर में इसमें हमने लिखा दैट एप्पल इज रोटन, वो सेब सड़ा हुआ है। अब यहाँ पर पर्सन है दैट, सॉरी नंबर है दैट, यानी कि यहाँ पर एक एप्पल की बात हो रही है कि दैट एप्पल इज रोटन, वो सेब सड़ा है, एक एप्पल की बात हो रही है यानी कि एक वचन की। तो एक वचन जो होता है नंबर में आता है एक वचन और बहुवचन, यानी सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। अगर सिंगुलर से प्लूरल नंबर आपको बनाना ना आता हो तो आप मेरे वीडियो जाकर देख लीजिए प्लेलिस्ट में, हाउ टू मेक सिंगुलर टू प्लूरल। ओके फ्रेंड्स, अभी दैट का हमने दोज कर दिया यानी कि नंबर चेंज कर दिया, नंबर मतलब वचन, एक वचन से बहुवचन कर दिया। यहाँ पर दैट माने वह और दोज माने वो सब, तो वो सब सेब सड़े हुए हैं, दोज एप्पल्स आर रोटन। तो इसमें हो गया, इसमें हो गया इस और इसमें हो गया आर। आज तो बहुत पसीना हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, अभी आप बोलेंगे कि इसमें इज है, इसमें आर है, ये वर्ब कहाँ हुआ? तो ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं इसको हम, इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, ज़्यादातर लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो ये वर्ब तो है ही बट ये हेल्पिंग वर्ब है। तो फाइनाइट वर्ब में एक मेन वर्ब आता है, मेन वर्ब जो बेस वर्ब बोलते हैं, और दूसरा आता है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इसको आप
ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हैं। तो पहला मेन वर्ब जो बेस वर्ब होता है, जैसे खेलना पीना, ये सब बेस वर्ब हुआ यानी कि मेन वर्ब। और इसमें दूसरा हुआ हेल्पिंग वर्ब, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब इज आर एम वाज वर शैल विल, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी उम्मीद करता हूँ कि आपको फाइनाइट वर्ब के बारे में समझ में आ गया होगा कि फाइनाइट वर्ब क्या है और किस तरह से हम उसको सेंटेंस में रिकग्नाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या है और किस तरह से हम किसी भी सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है। अभी हम सीखेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में जानेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? नो एग्रीमेंट विथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ इसका कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है। नो चेंज अकॉर्डिंग टेंस पर्सन एंड नंबर, ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है वो सेंटेंस में कभी भी बेस वर्ब या मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल नहीं होता है और ये टेंस पर्सन और नंबर के अनुसार चेंज भी नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे एक सेंटेंस मैं लेता हूँ, आई फाउंड हिज ऑफिस एट अ वॉकिंग डिस्टेंस। ओके फ्रेंड्स, मुझे उसकी ऑफिस मिली वॉकिंग डिस्टेंस में, मतलब थोड़ा पैदल चलने पे ही। अभी दूसरा सेंटेंस है, राहुल विल फाइंड हिज ऑफिस एट अ वॉकिंग डिस्टेंस। इसमें टेंस चेंज हुआ। ओके फ्रेंड्स, बट इस सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है जो दोनों में एक जैसा है, चेंज नहीं हुआ। मैंने इसे बताया था ना कि टेंस और पर्सन और नंबर के अनुसार चेंज नहीं होता। तो इस सेंटेंस में और दोनों सेंटेंस में कॉमन क्या है? वॉकिंग है, चेंज नहीं हुआ। तो इस सेंटेंस में हो गया वॉकिंग और इसमें भी वॉकिंग, ये हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब। अभी इसको हम थोड़ा और विस्तार से और अच्छे से समझते हैं। जैसे यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब इस्तेमाल मेन वर्ब या बेस वर्ब के रूप में नहीं होता है, तो किस रूप में होता है? तो नॉन फाइनाइट वर्ब का इस्तेमाल या तो एडजेक्टिव या तो नाउन या तो एडवर्ब के रूप में होता है। जैसे एडजेक्टिव के रूप में हम पहले देखते हैं, अ स्लीपिंग लायन इज नॉट डेंजरस, सोता हुआ शेर डेंजर नहीं होता है, यानी खतरनाक नहीं होता है। इसमें जो स्लीपिंग लायन है ये एज अ एडजेक्टिव काम करता है। ओके फ्रेंड्स, अ स्लीपिंग लायन इज नॉट डेंजरस। दूसरा सेंटेंस है, द रनिंग डॉग इज ब्लैक, दौड़ता हुआ कुत्ता काला है। इसमें रनिंग डॉग ये हो गया एडजेक्टिव नॉन फाइनाइट वर्ब जो एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, पहले मैंने आपको बताया कि नॉन फाइनाइट को या तो एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है या नाउन या एडवर्ब के रूप में। तो ये हो गया उदाहरण एडजेक्टिव के रूप में, ठीक है। और स्लीपिंग लाइन इज नॉट डेंजरस, इसमें स्लीपिंग लाइन हो गया एडजेक्टिव एज अ एडजेक्टिव। ये लाइन की विशेषता बता रहा है कि लाइन क्या कर रहा है, सो रहा है, यानी कि उनकी विशेषता बता रहा है। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, जो विशेषता बता है नाउन की, ठीक है फ्रेंड। इसमें अभी दूसरा है नाउन के रूप में, नाउन वॉकिंग इज अ गुड हैबिट। यहाँ पर चूंकि वॉकिंग एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में नहीं लिखा गया पर्टिकुलरली कि कौन आदमी क्या कर रहा है, तो यहाँ पर वॉकिंग दिया गया है सब्जेक्ट की जगह पर। तो वॉकिंग इज अ गुड हैबिट, तो यहाँ पर वॉकिंग जो हो गया ये हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब जो नाउन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। कोई भी सब्जेक्ट होगा तो वो नाउन ही होता है, तो ये नाउन के रूप में इस्तेमाल होता है क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में वॉकिंग को इस्तेमाल किया जा रहा है इसमें, इसलिए हो गया ये नॉन फाइनाइट वर्ब। वॉकिंग इज अ गुड हैबिट, टहलना एक अच्छी आदत है। स्विमिंग, दूसरा सेंटेंस है, स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, तैरना सबसे अच्छा एक्सरसाइज होता है। ओके फ्रेंड्स, इसमें भी स्विमिंग जो है सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हो रहा है और कोई भी सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन होता है, तो मीन्स ये नाउन के रूप में इस्तेमाल किया गया। ओके फ्रेंड्स, तो अभी ये तीसरा एडवर्ब, एडवर्ब के रूप में हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? एक सेंटेंस पढ़ रहे हैं हम, माई फादर वेंट टू मार्केट टू ब्रिंग वेजिटेबल, मेरे पिताजी बाजार गए किस लिए? तो सब्जियां लाने के लिए, टू ब्रिंग वेजिटेबल। तो यहाँ पर इन्फिनिटिव के साथ ब्रिंग लगा है, मैंने कि टू ब्रिंग है यानी इन्फिनिटिव है। तो यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो वेंट है। मैंने फिर से बता रहा हूँ आपको कि नॉन फाइनाइट वर्ब
मेन वर्ब या बेस वर्ब के रूप में कभी भी इस्तेमाल नहीं होता है, वे ये सेकेंडरी वर्ब में आता है। जो सेंटेंस में सेकेंडरी वर्ब होता है, सेकेंड वर्ब होता है, उस रूप में यूज होता है। तो यहाँ पर मेन वर्ब हो गया वेंट, तो ये कभी नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं हो सकता, ये फाइनाइट वर्ब है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हो गया टू ब्रिंग, ये सेकेंडरी वर्ब है। तो यहाँ पर टू ब्रिंग जो है ये एज एडवर्ब, एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हो गया ये नॉन फाइनाइट वर्ब। अभी दूसरा सेंटेंस है, ही हैज़ कम हियर टू मीट यू, वो यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो प्राइमरी वर्ब है यानी कि जो बेस वर्ब है, मेन वर्ब है, कम हो गया, इसलिए ये फाइनाइट है। यहाँ पर सेकेंडरी वर्ब क्या हुआ, टू मीट, टू मीट है, ये एज अ एडवर्ब इसका इस्तेमाल किया जा रहा है सेंटेंस में, तो ये हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके फ्रेंड्स, तो ये था फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट के बारे में, मैंने आपको विस्तार से अच्छी तरह से समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ भी गया होगा। और फ्रेंड्स, आप वीडियो देखते वक्त अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिए, और वीडियो को उन लोगों तक शेयर कीजिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।